ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की कोड। रासायनिक बल गतिकी में, केमिकल काइनेटिक्स में ये टॉपिक है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। किसी भी अभिक्रिया की जो कोड है वो क्या है और ये कैसे निर्धारित होती है? तो देखिए, किसी अभिक्रिया का, जैसे ये वेग समीकरण लिखा हुआ है dx अपॉन dt इज इक्वल टू k इंटू एक्टिव मास ऑफ a पावर m इंटू एक्टिव मास ऑफ b पावर n। तो किसी अभिक्रिया के वेग समीकरण में उपस्थित सांद्रता वाले पदों के घातों के योग को अभिक्रिया की कोट कहते हैं। फिर से सुनिए, ये जो हमने लिखा है ये अभिक्रिया का हमने वेग समीकरण लिखा है। दिस इज रेट इक्वेशन ऑफ रिएक्शन और दिस इज वेलोसिटी इक्वेशन ऑफ रिएक्शन। तो किसी अभिक्रिया के वेग समीकरण में उपस्थित ये है सांद्रता वाले पद, सांद्रता वाले पदों के घातों, ये है घात, घातों के योग को अभिक्रिया की कोट कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं। तो टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू यम प्लस यन, यम प्लस। तो व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? इन द रेट इक्वेशन ऑफ रिएक्शन द सम ऑफ पावर्स, द सम ऑफ पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। दिस इज रेट इक्वेशन ऑफ रिएक्शन एंड रेट इक्वेशन ऑफ रिएक्शन इज डिसाइडेड बाय एक्सपेरिमेंट, प्रयोग द्वारा अभिक्रिया का वेग समीकरण निर्धारित किया जाता है। तो अभिक्रिया की ऑर्डर क्या है, अभिक्रिया की कोट क्या, किसे कहेंगे? तो कहेंगे इन द रेट इक्वेशन ऑफ रिएक्शन द सम ऑफ पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यदि किसी अभिक्रिया का वेग समीकरण ये लिखा है जैसा ऐसा है तो उस अभिक्रिया की कुल कोट, टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बराबर होगा यम प्लस यन। और यदि ए के सापेक्ष कोट पूछा जाए तो ए के सापेक्ष जो कोट होगी, ए के सापेक्ष कोट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू यम। ए के सापेक्ष कोट यम होगी और बी के सापेक्ष कोट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू।
लेकिन टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू यम प्लस यम। अक्रिया की कोट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, निगेटिव इंटीजर हो सकता है, यानी पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है। जैसे 1/2, किसी रिएक्शन का ऑर्डर 1/2 भी हो सकता है, 1/3 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, +1, +2, 0। यानी किसी अभिक्रिया की कोट शून्य हो सकती है, पूर्णांक हो सकती है, भिन्नांक हो सकती है, धनात्मक हो सकती है और ऋणात्मक हो सकती है। ऑर्डर ऑफ एनी रिएक्शन मे बी आइदर जीरो और इंटीजर्स और फ्रैक्शन और पॉजिटिव और निगेटिव एक्सेट्रा। और किसी भी अभिक्रिया की जो कोट होती है वो प्रयोगों द्वारा निर्धारित की जाती है। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिसाइडेड बाई एक्सपेरिमेंट्स, बाई एक्सपेरिमेंट्स वी कैन राइट रेट इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन एंड बाय मीन्स ऑफ रेट इक्वेशन ऑफ रिएक्शन वी कैन कैलकुलेट द टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब जैसे देखिए यहां पे ये रेट इक्वेशन यदि ये है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, यम प्लस यम। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा, यम। और विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा, यम। अब देखिए जैसे मान लिया कोई अभिक्रिया है, कोई रिएक्शन है, उसका रेट इक्वेशन दिया है dx अपॉन dt इज इक्वल टू एक टू मास ऑफ ए पर पावर 1 इंटू एक टू मास ऑफ बी पर पावर 2। यदि ये रेट इक्वेशन है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कुल कोट कितनी होगी, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। यदि मान लिया रेट इक्वेशन लिखा है a^-1, b^-2, इस स्थिति में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा -1 प्लस -2 इज इक्वल टू -3। यदि रेट इक्वेशन लिखा हुआ है इस प्रकार एक टू मास ऑफ ए पर पावर 1/2 एक टू मास ऑफ बी पर पावर 1/3, इस स्थिति में टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की कुल कोट होगी, ये पावर जोड़े जाएंगे 1/2 प्लस 1/3। अब यहां पे एलसीएम 6 लेंगे, यहां आएगा 3 प्लस 2, टोटल आया ये 5/6। तो देखिए यहां पे ऑर्डर फ्रैक्शन में आया है, भिन्न में आया है, तो कोट जो है भिन्न भिन्न में भी हो सकती है, फ्रैक्शन में भी हो सकती है, इंटीजर में भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। अब जैसे मान लो ये लिखा हुआ है एक टू मास ऑफ ए पर पावर -1
एक टू मास ऑफ बी पर पावर प्लस वन। अब इस केस में देखा जाए तो टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इसको जोड़ेंगे माइनस वन प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो यहां पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो आ गया। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे यहां एक टू मास ऑफ ए पर पावर जीरो, एक टू मास ऑफ बी पर पावर जीरो है, तो ऐसी स्थिति में टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, जीरो प्लस जीरो, जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए, अब जैसे एक रिएक्शन ये है सी एस थ्री सी डबल ओ सी टू एच फाइव प्लस एच टू ओ एरोमार सी एस थ्री सी डबल ओ एच प्लस सी टू एच फाइव ओ एच। यह एक रिएक्शन है, अभिक्रिया है, इसका नाम है एथिल एसिटेट, ये वाटर है, ये एस्टिक एसिड है, ये एथिल अल्कोहल है। तो अब ये जो रिएक्शन है इसका वेग समीकरण वेलोसिटी इक्वेशन ये निकाला गया है कि डीएक्स अपॉन डीटी का मतलब ये वेग हुआ, ये बराबर बताया गया है कि प्रयोगों द्वारा के इंटू एक टू मास ऑफ सी एस थ्री सी डबल ओ सी टू एच फाइव इंटू एक टू मास ऑफ एच टू ओ पावर जीरो। तो यहां पर अभिक्रिया की कुल कोट कितनी होगी, टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कुल कोट बराबर, यहां पे पावर कुछ नहीं लिखा है तो एक समझ लेंगे, तो एक और ये जीरो जोड़ेंगे ऐड करेंगे वन प्लस जीरो इज इक्वल टू वन। तो ये जो रिएक्शन हमारे सामने है ये रिएक्शन बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, लेकिन ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसका ऑर्डर एक है। तो कोट के आधार पर अब क्रियाएं कई प्रकार की हैं, जैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन।